Question number 54, एक स्मूथ ट्रैक दिया हुआ है जिसके ऊपर बी ब्लॉक का मास 2 m है, इसका मास स्मॉल m है, इसको किसी वेलोसिटी u से पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। द ए और बी के बीच में जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है और इसको ये जो बॉल ऊपर जा रही है इस आदमी को जाके हीट कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। ठीक है, सपोजिंग इसको V नॉट की वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं या U की वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं, स्ट्राइक करने से पहले यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ये जो आई डी मार वो मान लेते हैं V नॉट। तो V नॉट की वैल्यू निकालनी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सरफेस जो है स्मूथ है, तो हाफ एम यू स्केयर प्लस एम जी एच, ये जो एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये थी, पोटेंशियल एनर्जी ये थी, वो किस में जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर इसमें जा रही है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अंडर डी एच इसमें चली जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी इसके बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मास एम है, दूसरा मास जो है वो टू एम है, इसकी जो वेलोसिटी है वो वी नोट है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद एम की जो वेलोसिटी है, ए की जो वेलोसिटी है वो वी वन मान लेते हैं और बी की जो वेलोसिटी है उसको वी टू मान लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो एम वी नोट वो किसके बराबर होगा, एम वी वन प्लस टू एम वी नोट वी टू किसके बराबर होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू वी टू प्लस वी वन वो किसके बराबर, वी नोट के बराबर होगा, एक इक्वेशन दी हो जाएगी। दूसरा इलास्टिक कोलिजन तो ई की वैल्यू 1 के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस वेलोसिटी सेपरेट हो रहे हैं और अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है इसके बराबर है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो वी टू माइनस वी वन वो किसका वी नॉट के बराबर होगा, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, थ्री वी टू वो किसके होगा टू वी नॉट के बराबर हो जाएगा, वी टू की वैल्यू जो है टू बाय थ्री वी नॉट होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है सफिशेंट होनी चाहिए कि ये जो है जस्ट इसको जा इस टाइम उसे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो वहाँ पे जाके स्ट्राइक करे उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जो है जस्ट स्ट्राइक कर लिया हम बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे दोबारा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वेयर वो किस में जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, मास 2 m है, 2 mgh प्लस 2 mgh जस्ट ऊपर पहुंच जाए स्ट्राइक करे बस, ये थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, 2 m से 2 m कैंसिल हो जाएगा, वी टू का स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर 2 gh के बराबर होगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगी, 4/9 वी नोट का स्क्वेयर वो किसके बराबर 2 gh के बराबर होगा, वी नोट का स्क्वेयर जो है ये वी नोट का वी नोट का स्क्वेयर जो है ये से 2 आ जाएगा, 9/2 जी एच अंडर डी रूट के बराबर होगा। हमें तो यू निकालना है कि यू कितना है, ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो 9/2 जी एच इसके बराबर है यू स्क्वेयर प्लस 2 gh, इसको इधर ले आते हैं तो यू स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 5/4 gh, तो यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2.5 gh अंडर डी रूट, इसकी वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसको हीट कर सके,
बाउंड्री कंडीशन पे किया था हमने, तो यू की वैल्यू जो है 2.5 जीएच अंडर दी रूट से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसको हीट कर सके, ठीक है।